दोस्तों, भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। नए भारत के निर्माण में श्रेय सिर्फ वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। उन्होंने भारत के 60 छोटे बड़े रियासतों को भारत के साथ मिलाया था, जिस कारण महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार और लोह पुरुष की उपाधि दिया था। चलिए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किसान परिवार में 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुआ था। हालांकि इनका जन्म तिथि किसी भी को भी नहीं पता। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में यही तारीख लिखा है और इसी को ही उनका जन्म तिथि मान लिया गया था। पटेल जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। सरदार पटेल की छोटे उम्र में ही शादी होने के कारण उन्होंने 10वीं पास 22 साल के उम्र के बाद किया था। जब वो 36 साल के हुए तब वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। वहां उन्होंने 36 महीने के कोर्स को 30 महीने में ही टॉप करके पूरा किया था। उसके बाद वो इलाहाबाद आकर वकालत करने लगे। एक टाइम 1930 था जब गुजरात में प्लेग बीमारी फैल गया था, जिसकी वजह से उनका एक दोस्त भी प्लेग के चपेट में आ गया था। अपने दोस्त की सहायता के लिए उन्होंने प्लेग की बीमारी में भी उसका मदद करने लगे, जिस कारण उनको भी प्लेग बीमारी फैल गया था। जिसके बाद पटेल अपने परिवार से दूर चले गए थे और एक मंदिर में जाकर रहने लगे थे। कई महीनों बाद जब वो ठीक हुए तब जाके वे घर आए। वो अपने काम को लेकर बहुत उत्साह वाले थे। एक दिन पटेल कोर्ट में एक केस पर अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तभी उनको एक चिट्ठी दिया गया जिसमें उनकी पत्नी के मृत्यु का खबर लिखा था। उन्होंने खबर को तो पढ़ा लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया और पेज को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया और केस को पूरा किया। केस जीतने के बाद उन्होंने कोर्ट में सभी को खबर पढ़कर सुनाया। सभी लोग बहुत भावुक हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के महात्मा गांधी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तब सरदार पटेल को उनके निधन के बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। महात्मा गांधी के निधन के 2 महीने बाद ही सरदार पटेल को हार्ट अटैक आया, लेकिन वह बच गए। 1946 में कांग्रेस इलेक्शन में 16 में से 13 स्टेट ने सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री के लिए चुना। पटेल प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए नेहरू से बहुत आगे थे, लेकिन वो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने गांधी जी के कहने पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच राजनीतिक को लेकर कई टकराव हुआ था, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा टकराव तब हुआ था जब नेहरू ने पटेल पर सांप्रदायिक नेता होने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद नेताजी ने फिर कभी भी नेहरू को नहीं बुलाया। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई के बिरला हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लंबी बीमारी के कारण दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के लगभग 68 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 में गुजरात के नर्मदा नदी के पास एक टापू पर इनकी मूर्ति बनाया गया है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जिसको बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए लगे थे। इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था। दोस्तों, इस मूर्ति को लेकर कई सारे मतभेद भी हुआ था। कई लोगों ने इसको पैसों की बर्बादी कहा तो कई लोगों ने इसको भारत की शान कहा। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताएं।